और अब खबर गुजरात से है। गुजरात के नवसारी में वन विभाग की कोशिशें कामयाब हुई हैं। यहां पर लंगूरों की आतंकी टोली का एक लंगूर पकड़ा गया। वन विभाग की टीम की कैद में लंगूर के आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। बाइक सवार पर हमला, बुजुर्ग महिला पर हमला, राहगीर पर हमला, सड़क पर खड़े शख्स पर हमला, इन हमलों का गुनहगार है ये शैतान लंगूर। कई लोगों का ये हमलावर अब इस केज का कैदी बन गया है। पिंजरे में कैद होते इस लंगूर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन लोगों की बाछें खिल गई। पकड़े जाते ही लोगों ने इसके पिंजरे को घेर लिया, अपने पर हुए हमलों की याद कर इसकी पहचान की कोशिश की। इसका पिंजरा जहां से भी गुजरा देखने वालों की भीड़ लग गई। आपको बता दें कि वन विभाग की टीमें पिछले कई दिनों से नवसारी के इस हमलावर लंगूर को पकड़ने की कोशिश में जुटी हैं। इस इलाके में कई ऐसे लंगूर हैं जो लोगों पर झपट रहे हैं, नोच और काट रहे हैं, पटक रहे हैं, पीट रहे हैं। फिलहाल पकड़े गए इस लंगूर से वन विभाग की उम्मीद बंधी है। उन्हें लगता है कि लंगूरों की ऐसी गिरफ्तारियां लोगों में इनके खौफ को कम कर सकेंगी। इस केज की कैद में जो हमलावर लंगूर आया है उसे सुपा गाँव के लोगों ने ही पकड़ा है। सुपा गाँव में अक्सर आने वाले इन लंगूरों के लिए वन विभाग की टीम ने ही एक पिंजरा यहाँ पर लगाकर रखा था। किस्मत से लंबी पूंछ वाला ये शैतान अपने एक और साथी के साथ नई खुराफात के लिए पहुंचा था, लेकिन पिंजरे को यहाँ देखकर ये इसके अंदर चला गया। इसके पीछे जब तक इसका साथी लंगूर पहुंचता, पिंजरे का दरवाजा बंद हो चुका था और ये वन विभाग का मुजरिम बन गया। अब जल्दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम इसे सजा के बतौर नवसारी से दूर किसी जंगल में ले जाकर छोड़ देगी, ताकि सुपा गांव में बेधड़क घूमने वाले और 500 लोगों की भीड़ में बेखौफ आने वाले ऐसे उत्पाती लंगूरों का खौफ कुछ कम हो सके, लोगों को जख्मी कर देने वाले ऐसे लंगूरों से छुटकारा मिल सके। आपको बता दें कि नवसारी के सुपा इलाके में पिछले करीब 2 महीने से लंगूरों का आतंक है। इनके हमलों के 19 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बिना उकसाए ही ये लंगूर हमले कर रहे हैं।